विंटर इज कमिंग, मतलब सर्दी का मौसम आ रहा है। बहुत मजेदार मौसम है ना, हाँ, गरम गरम कुल्हड़ में चाय, गर्मा गर्म भजिया, बहुत मजा आता है मेरे को सर्दी का मौसम। लेकिन इनको ना उतना मजा नहीं आता है, उनको बहुत तकलीफ होता है। तकलीफ भी होता है, कुछ बेनिफिट की चीजें भी हैं, कुछ प्रॉब्लम की चीजें भी हैं। तो ये मौसम में एक्वेरियम को संभालते कैसे? आपका गिफ्ट्स पैक होके रेडी है। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज मिला है तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, रिप्लाई कीजिए, ताकि हम आपका गिफ्ट्स आपको भेज सके। तो ये जानने से पहले कि सर्दियों में एक्वेरियम को कैसे संभालते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानना है कि आइडियल टेम्परेचर क्या है एक एक्वेरियम का। फिश एक्वेरियम या फिश ओनली एक्वेरियम, मतलब ऐसा एक्वेरियम जहां पे आप सिर्फ गोल्डफिश या सिर्फ एंजल्स, ऑस्कर, शार्क या डिस्कस, ऐसे फिश, काली फिश रखते हो, ठीक है, उसमें प्लांट्स वगैरह नहीं हो, वैसे टैंक्स का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आइडियल टेम्परेचर? और ऐसे प्लांटेड एक्वेरियम्स का आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? अभी जब भी मैं टेम्परेचर बोलू ना, वो वाटर टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर नहीं। बट ये भी समझना जरूरी है ना कि रूम टेम्परेचर क्या होगा तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा या बदलेगा क्या, ये सब चीजें इस वीडियो में समझेंगे। और समझेंगे कि हीटर का जरूरत होता है क्या। अभी ये पहला वीडियो है, इसका एक और पार्ट होगा जिसमें हम हीटर का बेनिफिट्स, हीटर को कहां लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं, और हीटर के कुछ सीक्रेट्स, हीटर को एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं, ये भी देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करें और क्यों। तो जवान, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, जवान चलो यही जोश में फटाफट जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, नोटिफिकेशन का बेल दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको मिलेगा, ठीक है। जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे कि जब सर्दी का मौसम आता है और टैंक का पानी ठंडा होते जाता है तो फिश को क्या होगा, प्लांट्स को क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहला पॉइंट, आइडियल वाटर टेम्परेचर फॉर फिश ओनली एक्वेरियम है 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री सी, हमारे सब थर्मोमीटर में डिग्री सी आता है। बुकार का थर्मोमीटर होता है ना, बुकार जब चेक करते हैं उसमें एफ आता है, फारेनहाइट। मैं वो डिटेल में पढ़ने वाला नहीं हूं, सेल्सियस में पकड़ो, इजी होगा मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो फिश ओनली एक्वेरियम का आइडियल टेम्परेचर है 26 डिग्री टू 28 डिग्री वाटर टेम्परेचर, और प्लांटेड एक्वेरियम के लिए आइडियल टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री, मतलब 24 अगर है तो बेस्ट।
नाउ ये जो टेम्परेचर है ये मैं नहीं बनाता हूं, कुदरत ने बनाया है। आइडियल वाटर टेम्परेचर मतलब जो भी फिश है ना वो कोई ना कोई रिवर से नदी से है, वहां पे आइडियल उनका टेम्परेचर 26 to 28 रहता है। मतलब अगर उनको ठंड लगे तो रिवर में नीचे जाएंगे, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, और अगर गर्मी लगे तो ऊपर आएंगे और एडजस्ट करेंगे। यहां पे वो चांस नहीं है। एक्वेरियम जो है रूम टेम्परेचर से कनेक्टेड है, जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है उसके हिसाब से एक्वेरियम का टेम्परेचर बदलेगा। लेकिन कुदरती रिवर में पानी आता रहता है, पानी जाता रहता है, थोड़ा गर्म पानी आ सकता है, तो जब मछली नीचे जाएगा तो जो जमीन का हीट है उसकी वजह से पानी थोड़ा और गर्म रहता है, 1-2 डिग्री गर्म रहता है, और जब ऊपर आते जाएंगे तो ठंडा रहेगा। इसलिए बहुत जगह ये देखा गया है कि गोल्ड फिश ऊपर लेयर आइस रहेगा लेकिन नीचे आराम से घूम सकता है। नहीं मानते हो? ये वीडियो देखो। नाउ प्लांटेड एक्वेरियम का आइडियल टेम्परेचर मैंने आपको समझाया और आइडियल टेम्परेचर फॉर फिश ओनली एक्वेरियम आपको समझाया। अभी टेम्परेचर जब कम होता है तो इनको इफेक्ट कैसे होता है? पहला समझेंगे कि प्लांट्स को कैसे इफेक्ट होता है, बिकॉज इजी है, प्लांट्स को उतना इफेक्ट नहीं होता है। 18 डिग्री तक प्लांट्स को इफेक्ट नहीं होगा, 2-3 डिग्री और उनका मेटाबॉलिज्म कम होगा। ओके, मेटाबॉलिज्म मतलब जो फोटोसिंथेसिस का साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ने का जो साइकिल है वो स्लो डाउन हो जाएगा, प्लांट्स अपने आप को स्लो डाउन करेंगे, शांत हो जाएंगे, लेकिन उनको होगा कुछ नहीं। ओके, ना उससे ज्यादा कम हुआ पानी का टेम्परेचर तब जाके थोड़ा थोड़ा उनको इफेक्ट होने लगेगा। अगर पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होते जाएगा तब जाके आपको प्लांट्स में एक्चुअली प्रॉब्लम दिखने लगेगा। ठीक है, ना ज्यादातर इसका गुंजाइश नहीं होता है। ओके, आई विल टेल यू हाउ, या मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, देखते रहो। अभी फिश को क्या होगा? फिश को मैंने समझा आपको कि आइडियल टेम्परेचर 26 से 28 है। अगर 24 में आता है, जैसे ये टैंक 24 डिग्रीज पे है, ठीक है, पूरा एयर कंडीशन है, 24 डिग्रीज पे है, फिश फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा खाना खा रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, जब ये 22 या 20 डिग्रीज में आता है वाटर टेम्परेचर, उनका भी मेटाबॉलिज्म कम होते जाता है। 18, 17, 16 डिग्री जब गिरते जाएगा, धीरे धीरे मछली शट डाउन होते जाएगा और मर जाएगा। तो पानी का टेम्परेचर, ठीक है, एटलीस्ट सर्दियों में 22 से लेकर 24 तक होना ही चाहिए। पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सबसे आसान इंस्ट्रूमेंट है हीटर। ठीक है, कोई भी हो, कोई वैरायटी का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर घर में होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी थर्मामीटर यूज कर सकते हो, ये ADA का है, ग्लास थर्मामीटर है, प्लास्टिक के थर्मामीटर्स भी आते हैं जो चिपकता है, डिजिटल थर्मामीटर्स भी आते हैं, काफी अच्छा क्वालिटी का आता है, वो भी अच्छा है, आपका मर्जी है, आप जो मर्जी यूज कर लो, लेकिन थर्मामीटर जरूर रखना। थर्मामीटर आपको बताते जाएगा कि टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है क्या करते। नो, ज्यादातर घरों में हम लोग क्या करते हैं, जैसे दिल्ली में काफी साल था मैं, तो सर्दियों के मौसम में हम लोग रूम में हीटर लगा जाते हैं, रूम हीटर,
तो वो रूम हीटर ना यूजुअली 20 डिग्रीज तक रहता है और वो रूम को वो टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है अपने आप, ये भी ठीक हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा आप हीटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बोला है कि प्लांटेड टैंक में हीटर मत डालो, वो नॉर्मल जो हमारे रेगुलर शहरों में, बॉम्बे साउथ में, वहां पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर कभी 22-20 ऐसा कम नहीं होता है। हाँ, कुछ शहरों में जैसे बैंगलोर में हो सकता है थोड़ा गर्म, थोड़ा ठंडी लगता है वहां पे, ओके। बट दिल्ली वगैरह में वहां सब ना बहुत एक्सट्रीम है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो थर्मामीटर में चेक करो कि आपका रूम का जो हीटर है क्या टेम्परेचर में ला रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि 1-2 डिग्री बढ़ाना है, हीटर लगा लो। लेकिन ये प्लांटेड एक्वेरियम का टेम्परेचर कभी भी 24 के ऊपर मत ले जाना, 24-25 ठीक है, उसके ऊपर ले जाओगे तो प्लांट्स को तकलीफ होने लगेगा, प्लांट्स मरने लगेगा, लेकिन फिश अच्छा रहेगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला फिश ओनली एक्वेरियम के लिए भी, अगेन मैं सब फिश का नाम जो भी मेरे को याद आ रहा है ले रहा हूं, सब फिश का सेम है, बेटा हो, गोल्ड फिश हो, शार्क हो, ऑस्कर हो, कोई भी हो, मेथड सेम है, ठीक है। रूम टेम्परेचर कितना है थर्मोमीटर बता देगा, पानी का टेम्परेचर कितना है वो भी एक और पानी वाला थर्मोमीटर बता देगा, डिफरेंस जितना आपको बढ़ाना है या घटाना है आप कर लो, और हीटर बेस्ट है। नाउ ये याद रखो कि बिकॉज प्लांट्स का या फिश का मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, मतलब पाचन शक्ति भी कम हो रहा है, तो आप फीडिंग थोड़ा कम करो। आप 1 घंटा कम कर सकते हो लाइट, फर्टिलाइजर थोड़ा कम कर सकते हो, फिश के लिए खाना जो आप दे रहे हो ना उसका आधा दे सकते हो, चलेगा, बिकॉज उनका जो पाचन शक्ति है वो कम होते जा रहा है। अभी आप ओवर फीड करोगे, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, पाचन शक्ति कम है, तो अगेन प्रॉब्लम स्टार्ट, ठीक है, वो ओवर फीडिंग हो जाएगा और इश्यू स्टार्ट होएगा। तो ये सब माइनर एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो, ठीक है। तो आइडियल टेम्परेचर प्लांटेड टैंक के लिए 23-25 डिग्री, आइडियल टेम्परेचर फॉर फिश ओनली टैंक 26-28 डिग्री, सर्दियों में या विंटर में, ठीक है, हीटर लगाना जरूरी होता है। आप में से कुछ लोग मेरे को पूछने वाले हैं गोल्ड फिश कोल्ड वाटर है, ये मैं समझा चुका हूं, ठीक है, एक और वीडियो में समझा चुका हूं कि गोल्ड फिश को भी हीटर लगेगा, ओके। तो आप थर्मोमीटर जरूर रखिए, हीटर जरूर लेके आइए और टेम्परेचर एडजस्ट कीजिए। अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन सा साइज का टैंक के लिए कौन सा हीटर लगेगा, हीटर टैंक के अंदर कैसे फिट होगा और क्यों, कौन सा हीटर लेने से आपको फायदेमंद होगा, आपको करंट का पैसा बचेगा, हीटर को कैसे और कहां लगाने से आपको करंट बचेगा, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, याद रखो कि पानी का टेम्परेचर सर्दी में मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो प्लांट्स को और फिश को दोनों को तकलीफ हो सकता है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एज ऑलवेज आज भी आशा करता हूं कि आपने कुछ समझा, कुछ सीखा, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको यह समझना जरूरी है, ठीक है। कुछ भी करने से पहले उसका इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर समझो, ये ठीक हो जाएगा, ओके। तो हमेशा की तरह मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से, आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे। हीटर को कहां लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों वहां पे लगाना है, हीटर से फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। चलो बाय।